लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। ये जो दो चेहरे आप देख रहे हो, देख ही लिया होगा और समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए हम समझा देते हैं। अजय देवगन और अक्षय कुमार, ये वही दो बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हें सत्ता की गोद में बैठना पसंद है। कुछ समय पहले ही अजय देवगन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहकर फंस गए थे और फिर मोदी जी की वाहवाही तो अक्सर गाहे बगाहे करते ही रहते हैं। ये बात अलग है कि अभी तक इन्होंने अक्षय कुमार की तरह मोदी जी का इंटरव्यू नहीं लिया और इंटरव्यू लेके ये नहीं पूछा कि आम खाते हो या नहीं, काट कर खाते हो या घोल कर खाते हो। इन्होंने ये अभी तक मोदी जी से नहीं पूछा। हाँ, मोदी जी को ट्विटर पर ये हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और मोदी जी भी इनसे ट्विटर पर ही बेटे का हाल चाल भी पूछ लेते हैं। चलिए, ये हुई इनकी बात। अब बात करते हैं बायकॉट गैंग की। बायकॉट गैंग किसके कहने पर शुरू हुई ये बताने की जरूरत नहीं है। इन दो महान एक्टरों ने सोचा था कि बायकॉट गैंग तैयार तो भले हो गई है लेकिन इन्हें उससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये इनके लिए, इन्होंने सोचा कि ये कोई अपने लिए थोड़ी है, अपन तो मोदी जी के दोस्त हैं। लेकिन साहब कहा ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जित में। अक्षय कुमार की फिल्मों का हाल आपने देख ही लिया। अक्षय कुमार ने सोचा था कि मेरी फिल्म का बायकॉट नहीं होगा लेकिन उनका भी बायकॉट ट्रेंड चल गया। और अब आ रही है अजय देवगन की। मैंने जैसे ही अजय देवगन की ये फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर देखा, समझ गया था कि भैया बायकॉट गैंग को एक और मसाला मिल गया, और वो ही सच हुआ। फिल्म थैंक गॉड और इस फिल्म को न केवल बायकॉट शुरू हुआ बल्कि इस फिल्म पर केस भी दर्ज हो चुका है। दरअसल थैंक गॉड में अजय देवगन चित्रगुप्त बने हैं और इंसान का लेखा जोखा चित्रगुप्त जो रखते हैं वो बने हैं, और उसके पीछे जो महिलाएं खड़ी हुई हैं वो मिनी स्कर्ट में दिखाई दे रही हैं। फिल्म हो सकता है कुछ कॉमेडी का रूप लिए हो और चित्रगुप्त को इस तरह दिखाना अगर है सूट बूट में और जिस तरीके से अजय देवगन को दिखा गया तो भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि बायकॉट करने वालों का कहना है कि चित्रगुप्त ऐसे दिखते हैं जिस तरीके से अजय देवगन को सूट बूट में दिखाया है वैसे नहीं दिखते। और उन्होंने इसी तरह का बोल के और कहा है कि हिंदू धर्म में चित्रगुप्त जो है वो प्रथम न्यायाधीश उनको माना जाता है, मतलब कि वो ही फैसला करते हैं इंसानों का जब ऊपर जाता है इंसान, उसके अच्छे बुरे कर्मों का। और जिस तरह से फिल्म में अपने तरीके से इसको दर्शाया है वो ठीक नहीं है। और इस फिल्म में एक्टर अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और निर्देशक इंद्र कुमार पर केस दर्ज हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिस तरह से अजय देवगन को बताया गया है उस तरह से पहले कभी किसी देवी देवताओं को नहीं बताया गया, लेकिन वो बात 2014 के पहले का था, वो दौर 2014 के पहले का था। अब उस वक्त ओ माई गॉड आपको याद ही होगा, जिसके अंदर अक्षय कुमार और परेश रावल थे। अक्षय कुमार तो भगवान का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने भी सूट बूट पहना हुआ था, बांसुरी बजाते थे, मोटरसाइकिल भी चलाते थे। हालांकि ये अलग बात है कि वो फूहड़ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो दौर अलग था। उस वक्त किसी भी फिल्म का इतना ज़्यादा बायकॉट या इतना ज़्यादा विरोध नहीं होता था, लेकिन अब दौर बदल चुका है। ये मोदी जी का दौर है और अब ऐसी फिल्म अगर लोग बनाएंगे तो कोई पचा नहीं पाएगा, खास करके बायकॉट गैंग तो किसी भी कीमत पर नहीं। और अजय देवगन की ये फिल्म बायकॉट से आगे निकल चुकी है, कानून पचड़े में फंस चुकी है। देखिए क्या होता है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे।